हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब बढ़िया हो और मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। आज मैं यूवी रेजिन से नेकलेस बनाने वाली हूँ, नेक पीस बनाने वाली हूँ, साथ में इयररिंग्स भी बनाऊंगी और देखते हैं क्या क्या बनता है। बेसिकली मैं यूवी रेजिन यूज करके ज्वेलरी बनाने वाली हूँ। मैं फर्स्ट टाइम यूज करने वाली हूँ, मेरी आपकी तरह मैं भी फर्स्ट टाइम ही यूज कर रही हूँ ये यूवी रेजिन। तो चलिए देखते हैं कैसे बनता है। पहले तो सबसे पहले यहाँ पे जो सारे इंस्ट्रक्शन है वो पढ़ेंगे ठीक से, उसके बाद यूज करेंगे। और ये यूवी रेजिन मैंने तुलसी रेजिन आर्ट से लिया है, मतलब मैं ये सारा मटेरियल मैंने तुलसी रेजिन आर्ट से ही लिया हुआ है। मैंने आपने प्रीवियस वीडियो देखा होगा अनबॉक्सिंग वाला तुलसी रेजिन आर्ट का, तो वहाँ से ये मैंने मिनी मतलब एलईडी लाइट भी लिया है, ये यूवी लाइट भी लिया है जिससे हम यूवी रेजिन ड्राई करेंगे। और बाकी ये सैंड भी ली है और ये पिगमेंट्स तो है ही उनके तुलसी रेजिन आर्ट के। देखो उनका लोगो भी है यहाँ पर, और ये मेटालिक पाउडर भी है, और मतलब ऑलमोस्ट सब मटेरियल ही उनका है। मैं जो बजल बनाने वाली हूँ वो भी वहाँ से ही तुलसी रेजिन आर्ट से ही लिया हुआ है, और ये बजल टेप भी वहीं से लिया है तुलसी रेजिन आर्ट से। सो आप भी वहाँ से परचेस कर सकते हो। चलिए देखते हैं अपन यूज करते हैं यूवी रेजिन और कैसा है, मैं आपको बताती हूँ यहीं पर। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने ये बजल टेप लिया, यहाँ पे लगाया और उसके ऊपर फिर ये बजल्स, राउंड बजल्स जो मेरे पास थे आठ, वो मैंने लगाए। अब मैं यूवी रेजिन ले रही हूँ और उसमें थोड़ी सैंड मिक्स कर रही हूँ, और फिर सैंड का ये पोर्शन यहाँ पे डाल के उसके ऊपर सी शेल्स लगा रही हूँ। सब एकदम छोटे छोटे क्वांटिटी में है। अब फिर से मैंने यूवी रेजिन लेके मैं ब्लू शेड ऐड किया, ये है डार्क ब्लू, ये मैंने ऊपर के साइड दिया। के बाद मैं इसके नीचे लाइट ब्लू कलर का यूवी रेजिन डालूंगी। अब मैं व्हाइट शेड भी ऐड करूंगी और इसको वेव्स जैसा बनाऊंगी। मैं कलर्स के लिए यूवी रेजिन में बस ओपेक पिगमेंट ऐड कर रही हूँ। अब मैं इसको यूवी एलईडी लाइट से ड्राई कर रही हूँ, थोड़ी देर रख के ड्राई हो जाएगा। उसके बाद मैं सेकेंड लेयर इसके ऊपर पोर करूंगी, सेम जैसे मैंने फर्स्ट की है वैसे ही सेम मैं प्रोसेस करके सेकेंड करूंगी और अच्छे से इसको वेव्स दूंगी। अब इसमें मैं फिनिशिंग टच दूंगी, थोड़े सी शेल्स वगैरह ऐड करके उसके ऊपर ट्रांसपेरेंट रेजिन पोर कर दूंगी और इसको फिर से मिनी यूवी एलईडी लाइट से ड्राई कर दूंगी अच्छी से, क्योंकि अभी एटमॉस्फेयर भी अच्छा नहीं था, मतलब सनी डे नहीं थे, तो मेरे को अच्छे से यूवी एलईडी लाइट में इसको ड्राई करना पड़ा। ओह माय गॉड, ये यूवी रेजिन बहुत ही अच्छा रेजिन है, मुझे नहीं पता था ये इतने फास्ट ड्राई होता है। बहुत क्विक फास्ट, मतलब बहुत क्विकली ये ड्राई हो जाता है, और मिनी यूवी एलईडी लाइट से तो और फास्ट ड्राई हो जाता है। बहुत अच्छा रिजल्ट है यार, मतलब कुछ क्विकली बनाना होगा तो बहुत अच्छा है ये, और छोटी छोटी चीज़ें बनाने के लिए तो बहुत ही क्यूट है। ये देख सकते हो आप, मैंने ये बजल्स बनाए हैं ओशन रेजिन आर्ट से। चलिए इसको डीमोल्ड करते हैं और इसका एक नेक पीस बनाते हैं। मैं ये चैन यूज करूंगी उसके लिए, ये नेक पीस के लिए, और बाकी इयररिंग्स बनाऊंगी और देखते हैं बचता है या नहीं बचता है ब्रेसलेट के लिए। तो चलिए बनाते हैं। अब मैं इसको बजल टेप से रिमूव कर रही हूँ, आप ये देख सकते हैं एक एक करके मैंने रिमूव किया, और मुझे ऐसा लगा बैक साइड से अच्छे से ड्राई नहीं हुआ है, तो मैंने बैक साइड से फिर से यूवी एलईडी लाइट में इसको ड्राई किया। सो मैंने ये देखो आप चैन में अटका दिया है, आप देख सकते हो, और इयररिंग्स भी बना ली है। ये बहुत ही सुंदर लग रही है, आप कोई बीच वेयर वगैरह पहनोगे तो इसके साथ ये बहुत ही अच्छी लगेगी, आप देख सकते हो। सो ये ज्वेलरी मैंने बनाने के लिए तुलसी रेजिन आर्ट से मटेरियल परचेस किया है, यूवी रेजिन का यूज किया है, मैंने भी फर्स्ट टाइम यूज किया है, आप भी यूज करके देखना, बहुत ही अच्छा रेजिन है। आप क्वालिटी भी देख सकते हो, बहुत ही जल्दी भी बन जाता है और बहुत सुंदर सा भी दिखता है, और जल्दी जल्दी अपने को जैसे डिज़ाइन चाहिए वैसे भी बना सकते हैं। तो ये यूज़ करके तो मुझे तो बहुत अच्छा लगा, मैं और भी डिज़ाइंस बनाऊंगी और भी बहुत कुछ बनाऊंगी।
सो आपको भी ये मटेरियल परचेस करना है तो आप भी तुलसी रेजिन आर्ट की वेबसाइट पे जाइए और परचेस करिए। मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है और मैंने जो भी मटेरियल यूज़ किया है उसका भी मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। सो जाइए और परचेस करिए और मेरा कूपन कोड भी आप यूज़ कर सकते हो तो आपको 100 रुपीज़ ऑफ मिलेगा। आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको ये ज्वेलरी कैसी लगी और आप भी कैसी बनाओगे। आपकी डिज़ाइंस भी मुझे शेयर करना इंस्टाग्राम पे, इंस्टाग्राम की भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है। सो आपको ये वीडियो और ट्यूटोरियल अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ डू लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज, बाय बाय।